हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ हरीश। तो आज के हैशटैग फार्म ऑनलाइन लेक्चर के सीरीज का टॉपिक का नाम है कंटेनर एंड टाइप्स ऑफ कंटेनर, जो कि फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर नहीं देखा होगा फर्स्ट पार्ट को उसके भी जरूर देखना। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। और सबसे पहले एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को और इस लेक्चर को लास्ट तक जरूर देखिए, तभी आपको सभी टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो कंटेनर क्या है, इसके बारे में लास्ट चैप्टर में भी और लास्ट पार्ट में भी देखा था, फिर एक बार रिवाइज करते हैं। कंटेनर, द कंटेनर इज द डिवाइस दैट होल्ड्स द ड्रग। मतलब कंटेनर एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है, ड्रग को होल्ड करके रखता है और उसके अंदर स्टोर करके रखता है। तो उसके भी दो पार्ट होते हैं कंटेनर के, एक इमीडिएट कंटेनर कहते हैं और दूसरे को हम सेकेंडरी कंटेनर कहते हैं। तो इमीडिएट कंटेनर इज द दैट विच इज डायरेक्टली कॉन्टैक्ट विद द ड्रग एट ऑल द टाइम। मतलब इमीडिएट कंटेनर मतलब क्या होता है, ऐसा कंटेनर और ऐसा कंटेनर जिसमें ड्रग डायरेक्टली कांटेक्ट विद द जो भी कंटेनर होता है वो ड्रग के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट में होता है। मतलब जो भी हमारा मेन कंटेनर होता है जिसमें हमारा ड्रग उसमें हम फिल करके रखते हैं, उसको हम कहते हैं इमीडिएट कंटेनर। द सेकेंडरी कंटेनर इज द कंटेनर दैट होल्ड द प्राइमरी कंटेनर एंड इज नॉट इमीडिएट कॉन्टैक्ट विद द ड्रग। तो सेकेंडरी कंटेनर मतलब क्या होता है, जैसे कि हमारा जो भी मेन कंटेनर होता है इमीडिएट कंटेनर जिसमें ड्रग डायरेक्टली कॉन्टैक्ट विद दैट कंटेनर में होता है, उस कंटेनर मतलब इमीडिएट कंटेनर को होल्ड करके रखता है, वो होता है सेकेंडरी कंटेनर। मतलब उसके साथ जो भी अलग सा बॉक्स में उसको पैक किया जाता है और ऑल भी अलग अलग कंटेनर में उसको पैक किया जाता है, उसको हम कहते हैं सेकेंडरी कंटेनर। तो आई होप आपको कंटेनर समझ में आया और उसके इमीडिएट कंटेनर और सेकेंडरी कंटेनर मतलब क्या है इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई। सो नेक्स्ट, अब हमारे मेन पॉइंट पर जाते हैं, टाइप्स ऑफ कंटेनर। तो कंटेनर के भी अलग अलग टाइप्स है, आप सबको भी पता है, तो हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो सबसे पहला टाइप है वेल क्लोज्ड कंटेनर, दे आर प्रोटेक्ट द प्रोडक्ट फ्रॉम लॉस ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन होल्डिंग स्टोरेज एटसेट्रा। मतलब ऐसा कंटेनर जो अपने ड्रग को लॉस मतलब होने नहीं देता और अपने ड्रग का लॉस नहीं होने देता ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन होल्डिंग और स्टोरेज, मतलब ट्रांसपोर्ट करने के वक्त और उसको स्टोर कर रखने के वक्त और जो भी कंपाउंड उसने होल्ड करके रखा है उसका थोड़ा भी प्रोडक्ट वो लॉस नहीं होने देता और लॉस होने से प्रोटेक्ट करता है, उसको हम वेल क्लोज कंटेनर कहते हैं। इस तरह के होते हैं मैक्सिमम सभी कंटेनर वेल क्लोज्ड होते हैं। तो टाइटली क्लोज कंटेनर मतलब क्या, इट प्रोटेक्ट द ड्रग फ्रॉम कंटेमिनेशन ड्यू टू द सॉलिड लिक्विड एंड ऑल्सो प्रिवेंट द लॉस ड्यू टू द एवेपरेशन। तो टाइटली क्लोज कंटेनर क्या होता है, वेल क्लोज कंटेनर से भी ज़्यादा अच्छे से पैक उसको क्लोज करके रखा होता है, टाइटली उसको पैक किया हुआ कंटेनर होता है, जिससे वो कंटेनर क्या करता है कि सॉलिड लिक्विड जो भी प्रोडक्ट होते हैं उससे और उससे कंटेमिनेशन नहीं होने देता। मतलब कोई भी अदर प्रोडक्ट है उसका ड्रग में और कोई भी कंटेमिनेशन नहीं होने देता, मिक्सिंग नहीं होने देता दूसरे और ड्रग के साथ, और अगर इवेपरेशन होता है एनवायरनमेंट में आकर ड्रग तो उसका इवेपरेशन भी नहीं होने देता क्योंकि उसको टाइटली पैक किया होता है, इसलिए उसको हम कहते हैं टाइटली क्लोज कंटेनर। थर्ड टाइप है अभी एयर टाइट कंटेनर और हेरमेटिकली सील्ड कंटेनर, इट प्रिवेंट द एंट्री ऑफ एयर इनसाइड द कंटेनर ड्यूरिंग हैंडलिंग डिस्ट्रीब्यूशन स्टोरेज। मतलब ऐसा कंटेनर जो क्या करता है उसके अंदर किसी भी मतलब एयर को भी एंट्री नहीं रखता, मतलब उस ड्रग के अंदर उस कंटेनर के अंदर कोई भी एयर भी उसके अंदर नहीं जा सकती, उसको एयर टाइट कंटेनर कहते हैं। मतलब जो भी एयर पैक कंटेनर बोल सकते हैं हम उसको, और उससे क्या होता है मतलब एयर में से जो भी कंटेमिनेशन हो सकता है वो बच जाता है ड्यूरिंग हैंडलिंग डिस्ट्रीब्यूशन स्टोरेज। मतलब कोई भी एनवायरमेंटल इफेक्ट उस पर नहीं हो पाता क्योंकि उसको एयर टाइट कंटेनर होता है और उसको उसमें एयर भी अंदर जा नहीं सकती उसको, इसलिए हम क्या कहते हैं एयर टाइट कंटेनर और हेरमेटिकली सील्ड कंटेनर। तो फोर्थ टाइप है लाइट रेजिस्टेंस कंटेनर, इट प्रोटेक्ट द ड्रग फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट ऑफ लाइट, यूजुअल अम्बर कलर कंटेनर इज यूज, इट इज यूज फॉर फोटोसेंसिटिव ड्रग। मतलब क्या है कि ऐसा कंटेनर जो ड्रग का जो भी लाइट से होने वाले हार्मफुल इफेक्ट से ड्रग को बचाता है। जनरली अम्बर कलर कंटेनर आप सबने बहुत बार देखे होंगे, उसको हम लाइट रेजिस्टेंस कंटेनर कहते हैं
ड्यूटी अम्बर कलर डायरेक्टली लाइट अपने ड्रग तक पहुंच नहीं पाती अंदर के, इसलिए हम उसको लाइट रेजिस्टेंस कंटेनर भी कहते हैं। और जनरली उसको फोटो सेंसिटिव जो भी ड्रग होती है उसके लिए यूज़ किया जाता है। मतलब कोई भी ड्रग है उसको अगर लाइट से प्रॉब्लम है, मतलब लाइट पड़ने के बाद अगर उस पर कोई हार्मफुल इफेक्ट होता है, तो उसको हम ये अम्बर कलर कंटेनर उसको यूज़ करते हैं, उसको हम लाइट रेजिस्टेंस कंटेनर भी कहते हैं। तो नेक्स्ट है टेम्पर एविडेंट कंटेनर। तो टेम्पर इट इज़ अ फिटेड विथ डिवाइस ऑफ मशीन दैट प्रूव द कंटेनर वेयर कंटेनर हैज़ बीन ओपन। मतलब यहाँ पर अगर आप सिंपली देखेंगे तो इस तरह से होते हैं पूरे टेम्पर एविडेंट को बहुत लोगों का कन्फ्यूजन होता है किस तरह से होता है, यहाँ पर तो इमेज पर आपको क्लियर हो जाएंगे। इसको हम कहते हैं टेम्पर एविडेंट कंटेनर, उसको अच्छी तरह से मशीन अच्छे से डिवाइस से उसको पैक किया जाता है। कंटेनर मतलब कहीं से भी थोड़ा सा भी ओपन नहीं होता, इसको हम टेम्पर एविडेंट कंटेनर कहते हैं। आई होप आपको इमेज देकर क्लियर हुआ होगा। अगर आप सिंपल आपने कई बार सुना होगा तो आपको ये चीज़ जो है टेम्पर एविडेंट कंटेनर क्लियर नहीं होती बहुत सारे स्टूडेंट्स की। तो नेक्स्ट है सिंगल डोज कंटेनर। इट कंटेन ओनली सिंगल डोज, इट इज यूल यूज फॉर इंजेक्टेबल एग्जाम्पल एंपल्स। सिंगल डोज मतलब आप सबको पता है कि एक बार ही, मतलब उसमें उस कंटेनर में सिर्फ एक ही डोज होता है। जैसे कि आप इंजेक्शन को देखते होंगे, इंजेक्शन एक बार उसको इंजेक्शन में ले लिया, ये भी एक इंजेक्शन का एग्जाम्पल है। इंजेक्शन से उस अंदर का एक ही डोज होता है, उसको अगर निकाल देते तो बाकी कंटेनर फेंक देते हैं क्योंकि उसमें एक ही डोज होता है। और इंजेक्टेबल्स के लिए ही यूज़ किया जाते हैं सिंगल डोज कंटेनर, और एम्पुल्स भी सिंगल डोज कंटेनर ही होते हैं। और भी अलग अलग, यहाँ पर मैं इमेज में आपको एक एक एग्जांपल दिखाता हूँ, पर जैसे एडवांस मेथड आ चुकी है यहाँ पर हमारे फार्मास्यूटिकल साइंस में, तो बहुत सारे अलग अलग टाइप के कंटेनर आ चुके हैं। तो आप गूगल पर अगर फ्री टाइम होता है तब सर्च कर कर उसके बारे में इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। सो नेक्स्ट इज मल्टी डोज कंटेनर। इट कंटेन मोर देन वन डोज ऑफ ड्रग, एग्जाम्पल वायल्स। मतलब जो भी ऐसे कंटेनर जिसमें एक से ज़्यादा डोज होते हैं उसमें, उसको हम मल्टी डोज कंटेनर कहते हैं। एग्जाम्पल वायल्स भी है, इसमें हम बहुत सारे अलग ज़्यादा डोज होते हैं, इसलिए एक से ज़्यादा डोज होते हैं उसमें कंटेनर में ड्रग के, इसलिए हम उसको मल्टी डोज कंटेनर भी कहते हैं। तो एरोसोल कंटेनर, इट इज़ होल्ड्स एरोसोल प्रोडक्ट, दिस आर नॉट ऑफिशियल कंटेनर एंड शुड हैव एडिशनल मैकेनिकल स्ट्रेंथ इन ऑर्डर टू बियर द प्रेशर ऑफ एरोसोल पैकेजिंग। मतलब एरोसोल, सिंपल एरोसोल कंटेनर कौन से होते हैं वो पता है क्या? एरोसोल कंटेनर जो होते हैं, तो सिंपल स्प्रे जो होते हैं ना, उसको हम एरोसोल कंटेनर कहते हैं। अगर मुंह का आपको प्रोडक्ट मिलता हो, पता है कि जो मुंह का स्प्रे मिलता है, ऐसे अलग अलग जो भी मेडिसिनल स्प्रे मिलते हैं अलग अलग डिसीज़ के लिए और अलग अलग कोई डिसऑर्डर के लिए, उसको हम एरोसोल कंटेनर कहते हैं। आपने बहुत बार एरोसोल कंटेनर देख लिए होंगे। सो उसके बारे में आपको डिटेल में आगे है। सो अभी यहाँ पर आठ है, एक बार फिर से देखते हैं। वेल क्लोज कंटेनर, टाइटल क्लोज कंटेनर, एयर टाइट कंटेनर, लाइट रेजिस्टेंस कंटेनर, टेम्पर एविडेंट कंटेनर, सिंगल डोज कंटेनर, मल्टी डोज कंटेनर, एरोसोल कंटेनर। सो आई होप आपको सभी कंटेनर्स के बारे में पता चल गया होगा। और एक बात, ये सभी कंटेनर्स के बारे में बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, सो अच्छे से इसको प्रिपेयर करके आपको अपनी कंसेप्ट क्लियर करो। अगर यहाँ पर यहाँ तक वीडियो देखा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि लास्ट तक वीडियो देखा है। सो अगर आपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर फॉलो नहीं किया तो वहाँ जाकर फॉलो कीजिए, वहाँ पर मैं आपसे बातें भी करता हूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।